गुड आफ्टरनून बच्चों, लास्ट क्लास थोड़ी नेटवर्क इश्यू होने की वजह से जो है हो नहीं पाई थी, तो मैंने अभी लेना सही समझा जिससे कि प्रॉपर क्लास हो सके। ठीक है बेटा, टेंथ क्लास कल जो अपन ने पढ़ा था उसको मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो कट है इस बार के सिलेबस से, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें अपन करेंगे उसकी। हेरिडिटी क्या है बच्चों? पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनकी संतान के अंदर गुणों का, ट्रेट्स का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायो की साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जाने जाते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उनका जो बर्थ है 22 जुलाई 1822 को हिंजनडॉर्फ विलेज चेकोस्लोवाकिया में हुआ, और वो एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे, और फिर पढ़ लिखकर बाद में वो पहले टीचर बने, प्रोफेसर बने, और बाद में एक चर्च के अंदर एक पॉप बन गए। तो ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रुंट, वहां की एक चर्च थी, वहां उन्होंने अपना वर्क किया, और पास के ही गार्डन में मटर के प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर अपने हाइब्रिडाइजेशन के, हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। ठीक है, 1857 से लेकर 1865 तक, और जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उनका जो भी रिजल्ट था, जो भी उनके प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने नोट कर लिए। ठीक है बेटा, और 1866 में जो ब्रुन शहर की एक सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वहां पर अपने रिसर्च पेपर को शो किया, और उस साल की जो एनुअल मैगजीन है उसमें उनका रिसर्च पब्लिश भी हुआ। लेकिन क्योंकि उस समय जीन का, क्रोमोजोम्स का, डीएनए का इनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे इनके बारे में, तो उनके एक्सपेरिमेंट जो इतने आगे की बात थी वो समझ ही नहीं पाए जो वहां उस समय के जो लोग थे। और 6 जनवरी 1884 को किडनी इन्फेक्शन की वजह से, किडनी इन्फ्लामेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। ईयर 1900 में 3 अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट थे, हुगो डिब्रिज, कार्ल कॉरेस एंड इरिक वॉन शर्मा, उन्होंने फिर से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, मटर के प्लांट के ऊपर ही किए, सेम एक्सपेरिमेंट किए, सेम रिजल्ट निकाले। तब लोगों को पता चला कि ये जो रिसर्च है ये तो 30 ईयर्स पहले ही हो चुका है, और उस समय वो लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो हुगो डिब्रिज, कार्ल कॉरेस एंड एरिक वॉन शर्मा, इन्हें हम क्या कहते हैं? रीडिस्कवरर ऑफ द मेंडल्स लॉ कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पी प्लांट की। बच्चों, जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। बच्चों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को जो है चूज किया। इसका रीजन ये था कि जो पी प्लांट है ये एनुअल हर्ब है, इनकी लाइफ 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, स्टेमेन एंड पिस्टल दोनों ही पाए जाते हैं। पी प्लांट्स के अंदर 34 डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है। मेंडल ने उनमें से केवल 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है उन्हीं को चूज किया, उन्हीं को सिलेक्ट किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, तो इन सब रीजन से क्या हुआ कि जो पी प्लांट को चूज किया गया मेंडल के द्वारा। अब बात करते हैं, मेंडल सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो सही से किए। ठीक है, उनका मैथमेटिकल जो रिकॉर्ड है वो नोट करते गए जो भी रिजल्ट उनको मिले। और जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस किया तो केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखा। जब एक कैरेक्टर का रिजल्ट उन्हें सही मिल गया तो फिर उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और फिर उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने 3 जो कैरेक्टर्स हैं उनके इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो 1 by 1 करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उनका जितना भी जो भी रिजल्ट था उनको वो रिकॉर्ड करते गए। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मेंडल ने अपने लॉ दिए, प्रिंसिपल दिए। मेंडल के जो लॉज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंडेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं?
जो मेंडल के लॉ है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉज, और इन्हें हम मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में बात करते हैं हम फिर लेते हैं सेवन ट्रेड्स। मेंडल ने जो सेवन ट्रेड्स चूज किए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक तो पी प्लांट की हाइट, हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, एक तो था टॉलनेस और सेकेंड था ड्वार्फनेस। सेकेंड उन्होंने फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व किया, तो फ्लावर के कलर के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है मटर के प्लांट में, पी प्लांट में, एक तो वॉयलेट फ्लावर, एक व्हाइट फ्लावर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उन्होंने जो फ्लावर है उनकी पोजीशन को भी ध्यान में रखा, तो एक तो एक्सियल कंडीशन होती है फ्लावर की और एक ब्रांच के ऊपर टर्मिनल कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गए। फिर इसके बाद में जो मटर की फली होती है, जो पोड होती है, उसका कलर ग्रीन कलर और येलो कलर। ठीक है, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गए पोड के कलर के। पोड की शेप, पोड एकदम कंप्लीट है, इनफ्लेटेड है, एक तो ये हो गया, सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्टेड है, उन पर झुरियां पड़ी हुई है फली के ऊपर, तो ये एक फॉर्म हो गया। फिर उन्होंने सीड की शेप को भी ध्यान में रखा, तो सीड की शेप का एक कैरेक्टर हो गया कि राउंड एंड रिंकल्ड, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गए। और सीड का कलर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखा, एक तो येलो कलर सीड का और ग्रीन कलर। अब यहाँ पर बच्चों जो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है हाइट के ट्रेट में, तो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है ड्वार्फनेस के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से जो वॉयलेट कलर है फ्लावर का वो डोमिनेंट होता है व्हाइट कलर के ऊपर। यहाँ पर डोमिनेंट का मतलब ये है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है तो रिसेसिव को शो नहीं होने देता है। ठीक है, रिसेसिव मतलब अप्रभावी। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लेते हैं फ्लावर की जो पोजीशन है, जो एक्सियल पोजीशन है वो डोमिनेंट है और जो टर्मिनल पोजीशन है वो रिसेसिव होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पोड के कलर की। ग्रीन कलर पोड का डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और जबकि जो येलो कलर है पोड का वो रिसेसिव होता है। ठीक है, इसके बाद में पोड की जो शेप है, इनफ्लेटेड शेप है, वो डोमिनेंट होती है और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप होती है वो रिसेसिव होती है। नेक्स्ट लेते हैं सीड का जो येलो कलर है डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ग्रीन कलर है सीड का ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। सीड की जो शेप राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिंकल्ड शेप है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये सेवन ट्रेड्स के ऊपर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया और उनसे उन्होंने अपने रिजल्ट निकाले और अपने प्रिंसिपल दिए, अपने लॉ दिए। मेंडल के लॉ को मेंडलिज्म कहते हैं। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उनको समझाने से पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिससे आगे का कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं टर्मिनोलॉजी। फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर, सेकंड एलील और एलीलोमॉर्फ, थर्ड लेते हैं जीन, फीनोटाइप,
जीनोटाइप, होमोजाइगस हिटरोजाइगस फैक्टर एलील जीन फिनोटाइप जीनोटाइप होमोजाइगस हिटरोजाइगस हाइब्रिडाइजेशन वन जनरेशन एफ टू जनरेशन हाइब्रिड डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट हर लेते हैं रिसेसिव देखिए बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। फैक्टर, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर। मेंडल ने जब अपना रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि लिविंग बीइंग की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फैक्टर होते हैं जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। इनको मोर अगर साइंटिफिकली वर्ड यूज लें लक्षणों के लिए, कैरेक्टर के लिए, ट्रेट, टी आर ए आई टी। तो मेंडल ने ये बताया कि सेल के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं और ये फैक्टर ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? ठीक है। और उन्होंने बताया कि दो फैक्टर मिलके किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। दो फैक्टर मिलके क्या करते हैं? किसी एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बाद में जो जोहानसन है उन्होंने उन फैक्टर को क्या कहा? जीन कहा। क्या कहा? जीन कहा। जोहानसन ने जीन नेम दिया। तो जीन क्या है बच्चों? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। और एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं। क्या होते हैं? दो एलील होते हैं। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील होते हैं, उन एलील के मिलने से एक जीन बनता है। क्लियर होगी बात? यानी कि दो एलील एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या एक जीन एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा। जो एलील्स हैं, एलील की डेफिनेशन क्या दोगे? द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है ना। और इन्हें हम एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। जैसे कि टॉलनेस के लिए, सपोज करो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एलील यूज कर सकते हैं और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक जीन के अंदर दो एलील हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर होगी बात आपके? क्लियर है सभी के? ठीक है। तो एक जीन के अंदर दो एलील हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो सकते हैं, या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, या दोनों सेम हो सकते हैं। और दो एलील एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को रेगुलेट करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा, लेकिन जोहानसन ने इनको क्या कहा? जीन कहा। और एलील क्या है? दो कॉन्ट्रास्टिंग जो फॉर्म है एक ही जीन की, उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। फिर लेते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? कि जो आउटर अपीयरेंस है किसी भी प्लांट या एनिमल की, जो आउटर अपीयरेंस है उसे उसका फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जैसे मान लो चार बहन भाई है, ठीक है ना, चार सिबलिंग्स हैं, तो उन चार बहन भाई में मान लो तीन की हाइट अच्छी है, लंबी है, और एक की हाइट मीडियम है या कम है।
तो यहाँ पर आउटर अपीयरेंस क्या आ रहा है कि थ्री जो है टॉल है और एक जो है वो हाइट में कम है। तो फिनोटाइप क्या है, आउटर अपीयरेंस को हम फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं जीनोटाइप, कि जीन का जो कॉम्पोजिशन है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीन का जो कंटेंट है, जीन का जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं होमोजाइगस, यदि किसी एक जीन के, यदि किसी एक जीन के दोनों एलील यदि सेम हो, सिमिलर हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, यानी कि इनके अंदर फिर जो गैमेट बनेंगे इनसे वो एक ही टाइप के एलील वाले होंगे, सिमिलर टाइप की एलील वाले गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना। हेटरोजाइगस क्या है, ये कंडीशन देखिए आप, कि यदि किसी जीन के दोनों एलील, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील यदि डिफरेंट है, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड हिट्रोजाइगस, इसे हम क्या कहते हैं, हिट्रोजाइगस कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस है और ये हिट्रोजाइगस है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों दो डिफरेंट प्लांट वाले, सॉरी दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले, यदि दो डिफरेंट कैरेक्टर या ट्रेट वाले प्लांट्स को यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। The cross done between two different plants which having the different traits or different characters is called hybridization. इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। मान लो आपने एक प्लांट लिया जो कि टॉल है और एक प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ है, और उन दोनों का क्रॉस करवाया आपने, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे पर गिरा दिए, ठीक है ना। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लेते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को जब आपने क्रॉस कराया और उससे जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ओके, सेकंड लेते हैं F2 जनरेशन। जब F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाता है, F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब क्रॉस किया जाता है और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्या कहते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हाइब्रिड। बच्चों जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है या दो एनिमल के बीच में, तो उससे जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है तो उसमें दोनों के एलील्स होते हैं, उनमें दोनों पेरेंट के एलील होते हैं, दोनों पेरेंट के आधे आधे क्रोमोजोम्स होते हैं। तो जो नया एनिमल या जो नया प्लांट होता है वो हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग द क्रोमोजोम्स और जीन्स ऑफ द बोथ द पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड एनिमल और हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट। बच्चों क्या होता है कि जब दो प्लांट या दो एनिमल के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर कोई एक कैरेक्टर यदि शो होता है और दूसरा कैरेक्टर शो नहीं हो पाता है, तो जो कैरेक्टर शो होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो ट्रेट शो नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट। तो जनरली जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। क्लियर होगी बात आपके। तो बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आपको यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए मेरे से, आप में से किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए, फिर मैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर दो और चीजें मैं बता रहा हूं आपको, एक तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि किसी एक ट्रेट की, किसी एक कैरेक्टर की या किसी एक ट्रेट के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए यदि हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट, वन पेयर ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। जैसे कि लंबाई का एक कैरेक्टर चूज कर लिया आपने पी प्लांट में, या फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर हो गया, फ्लावर के कलर के दो फॉर्म हो गए तो एक पेयर हो गया ट्रेट का। कैरेक्टर क्या हो गया, फ्लावर का कलर, और ट्रेट का पेयर क्या हो गया, वॉयलेट कलर का फ्लावर भी होते हैं एक प्लांट में और दूसरे प्लांट में व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। तो उनका क्रॉस करवा के अब देखते हैं कि अगली जनरेशन में किस टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं।
क्लियर होगी बात आपके? तो दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 15 लेते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों अगर दो कैरेक्टर को या टू पेयर ऑफ ट्रेट को एक साथ स्टडी किया जाता है अगर, तो फिर ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर और टू पेयर ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि आपने पी प्लांट का क्रॉस करवाया तो आपने एक लंबाई के कैरेक्टर को चूज कर लिया और एक फ्लावर के कलर को भी साथ में चूज कर लिया, और फिर उनको एक साथ देखा कि एक साथ उनमें कैसे इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बच्चों अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
बच्चों नेक्स्ट अपन ले रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाँ बच्चों जल्दी से देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। बच्चों मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने दो प्लांट लिए, उन्होंने दो पी प्लांट लिए, एक प्लांट टॉल लिया और एक प्लांट ड्वार्फ लिया, और उन्होंने ये चेक किया कि ये प्योर है या नहीं है, होमोजाइगस है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब सेम प्लांट के पोलन ग्रेन सेम पर गिराए और उससे जो सीड मिले उनसे नए प्लांट उगाए उन्होंने। तो दो तीन जनरेशन तक ऐसा चेक किया, तो उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट से केवल टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये चेक हो गया कि ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है। ठीक है, तो एक प्लांट उन्होंने लिया होमोजाइगस टॉल, जिसके अंदर एलील कॉम्पोजिशन था कैपिटल टी कैपिटल टी। सेकेंड प्लांट लिया ड्वार्फ, और उनको भी ऐसे ही चेक किया, उनका बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उससे बार बार उन्हें रिपीटेडली जो है ड्वार्फ प्लांट ही मिले, तो ये श्योर हो गया कि ये होमोजाइगस है ड्वार्फनेस के लिए। तो ड्वार्फनेस के लिए जो एलील कॉम्पोजिशन है इस प्लांट के अंदर स्मॉल टी ठीक है बेटा। अब इन प्लांट्स का क्रॉस कराया इन्होंने, ठीक है ना, तो इन प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो एक ही टाइप के एलील वाले, यानी कि इनसे जो गैमेट बनेंगे वो सिर्फ कैपिटल टी एलील वाले बनेंगे। क्या बनेंगे, कैपिटल टी एलील वाले गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और इन प्लांट से जो गैमेट्स बनेंगे वो केवल स्मॉल टी एलील वाले बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे पर गिराए और उनका क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों गैमेट का पी से पेरेंट, पी पेरेंट को शो करता है, ये पेरेंट प्लांट हो गए, ये गैमेट्स हो गए कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी एलील वाले गैमेट्स हो गए, इनका फ्यूजन हुआ। तो F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे जो प्लांट उन्होंने देखे F1 जनरेशन में, मेंडल को जो प्लांट मिले सारे के सारे टॉल प्लांट थे। क्या थे बेटा, सारे के सारे टॉल प्लांट थे, ठीक है, जिनके अंदर एलील का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या आया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। तो F1 जनरेशन के अंदर उन्हें 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 काफी सरप्राइज हुआ कि अरे यार ये सारे के सारे टॉल कैसे आ गए, कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कहाँ चला गया, उन्होंने ये सोचा, ठीक है ना। यहाँ पर एलील का कॉम्पोजिशन क्या आ रहा है, हाइब्रिड प्लांट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला F1 जनरेशन का, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, या ऐसे दो प्लांट का क्रॉस कराया। तो बच्चों हाइब्रिड इन प्लांट से दो टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, एक तो कैपिटल टी एनील वाले और एक स्मॉल टी एनील वाले, ठीक है। इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल टी एनील वाले और स्मॉल टी एनील वाले, तो दो टाइप के यहाँ पर गैमेट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये तो हो गई F1 जनरेशन, इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया है, ऐसे दो प्लांट का क्रॉस कराया, तो यहाँ पर मैं गैमेट लिख रहा हूँ, चेकर बोर्ड बना रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये चेकर बोर्ड बना दिया। इसका फ्यूजन इससे हुआ तो कैपिटल टी, ये क्या हो गया होमोजाइगस टॉल यानी कि प्योर टॉल, इसका फ्यूजन इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुआ हेटरोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया हेटरोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल, और इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो स्मॉल टी, ये होमोजाइगस ड्वार्फ आया। तो F2 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिले, तो मेंडल को थ्री प्लांट तो टॉल मिले, क्या मिले, थ्री प्लांट उनको टॉल मिले और एक प्लांट उनको ड्वार्फ मिला, यानी कि F2 जनरेशन के अंदर जो फीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या आया 3:1, यानी कि 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या मिला कि इन्होंने देखा कि एक प्लांट ऐसा है जो होमोजाइगस है, जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर बार बार अगली जनरेशन में टॉल प्लांट मिल रहे हैं, तो एक तो क्या आया होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये जीनोटाइप का रेशो है। दो प्लांट ऐसे मिले उन्हें जो कि हाइब्रिड टॉल थे, क्या थे हाइब्रिड टॉल थे, और एक प्लांट ऐसा था जो कि होमोजाइगस ड्वार्फ था, क्या था होमोजाइगस ड्वार्फ था, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल को जो फीनोटाइप रेशो है वो 3:1 मिला, और जो जीनोटाइप रेशो है जीन कॉम्पोजिशन का जो रेशो है वो 1:1 मिला, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट, दो हाइब्रिड टॉल प्लांट और एक होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट मिला। ओके बच्चों,
इस टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूँ। मोनो हैबिट कॉस्ट से रिलेटेड जो लॉ है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी यहाँ तक डाउट है वो आप रहते हैं।